इतिहास में कई ऐसे किस्से और कहानियां हैं जिसे पढ़कर हैरानी होती है। एक ऐसा ही किस्सा है फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन का, जिन्होंने करीब 200 साल पहले बिहार के रोहतास की यात्रा की थी। उन्होंने रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रोहतास गढ़ का दौरा किया था। इसके बाद उन्होंने यहाँ के पत्थर से निकलने वाले खून की चर्चा एक दस्तावेज में की थी। उन्होंने कहा था कि इस किले की दीवारों से खून निकलता है, आसपास रहने वाले लोग भी इसे सच मानते हैं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि इसमें से बहुत पहले आवाज भी आती थी। लोगों का मानना है कि वो संभवतः राजा रोहिताश्व के आत्मा की आवाज थी। इस आवाज को सुनकर हर कोई डर जाता था, इतिहासकार हो या पुरातत्व के जानकार, वे भी नहीं जानते कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो किले के दीवारों से खून निकलता था। आपको बता दें कि रोहतास का इतिहास, इसकी सभ्यता और संस्कृति अति समृद्धशाली रही है। इसी कारण अंग्रेजों के समय ये क्षेत्र पुरातात्विक महत्व का रहा। साल 1807 में सर्वेक्षण का दायित्व फ्रांसिसिस बुकानन को सौंपा गया। वो 30 नवंबर 1812 को रोहतास आए और कई पुरातात्विक जानकारियां एकत्रित की। 1881 से 1882 में HBW गैरिक ने इस क्षेत्र का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया और रोहतासगढ़ से राजा शशांक की मुहर का सांचा प्राप्त किया। जानकारी के मुताबिक रोहतासगढ़ का किला काफी भव्य है। इस किले का घेरा 28 मील तक फैला हुआ है और इसमें कुल 83 दरवाजे हैं। इन दरवाजों में मुख्य चारा घोड़ा घाट, राजघाट, कठौतिया घाट और मेढा घाट है। प्रवेश द्वार पर निर्मित हाथी, दरवाजों के बुर्ज, दीवारों पर पेंटिंग अद्भुत है। रंग महल, शीश महल, पंच महल, खूंटा महल, आईना महल, रानी का झरोखा, मानसिंह की कचहरी आज भी विद्यमान है। परिसर में अनेक इमारतें हैं जिनकी भव्यता देखी जा सकती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।